हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सुनिए और आप देख रहे हैं पॉ बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करना चाहता हूं दिलीप साहब के बारे में, दिलीप कुमार साहब के बारे में। 97 इयर्स के दिलीप साहब हो चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ खान नाम से जन्मे, पेशावर पाकिस्तान में। उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है और आज उनका बर्थडे था। मैं सोचा कि नॉर्मल वीडियो बनाने से बेहतर है कुछ अलग करूं, क्योंकि इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे सीनियर मोस्ट एक्टर जो है लाइव है, और अल्लाह ताला उन्हें और जिंदगी बख्शे और वो खुश रहे, सेहतमंद रहे, सलामत रहे। आज सुबह ही ट्वीट आया उनके ट्विटर हैंडल से, जहां पर उनकी तस्वीर भी आई थिंक सामने दिखी हमें। बहुत खुशी हुई और उनकी, लोगों के प्यार है, उन लोगों की दुआ है, है ना, उनकी सेहतमंद रहे दिलीप साहब। तो उनकी एक फिल्म है, उसका नाम है देवदास। 1955 में ये फिल्म आई थी, और 1955 में जो इनकी फिल्म आई थी, उस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बात करना चाहता हूं। मैं सोचा कि फिल्म क्यों ना देखी जाए, उसके बाद क्यों ना उसका ही रिव्यू किया जाए, क्योंकि इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, सॉरी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था वैजयंती माला को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था मोहनलाल को, जो वन ऑफ द नेचुरल एक्टर कहे जाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, वन ऑफ द अर्लीस्ट नेचुरल एक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर चीज ये है कि 97 ईयर्स के हो चुके, 11 दिसंबर 1922 में जन्मे, उनकी ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। और ये फिल्म एक उपन्यास पर बेस है, देवदास नाम के उपन्यास पर, और जिसे लिखा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये बंगाली नोवेल वैसे तो 1900 में कंप्लीट हो गई थी, 1900 में, लेकिन ये प्रकाशित हुई 1917 में। और सबसे आपको बता दो, शायद मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों में से होऊंगा जो देवदास, जो 1933 में आई थी, और जिसमें KL सहगल थे, और दूसरी देवदास जो थी वो आई थी 1955 में, वो भी मैंने अब देख ली है, और तीसरी देवदास आई थी 2003 में जिसे मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं मैंने लगभग 2003 में, तो सभी को देख लिया है मैंने। और यहाँ पे आज मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से वो भी इस फिल्म के बारे में। और जहां तक बात की जाए, इस फिल्म में तीन मुख्य कलाकार है। दिलीप कुमार का रोल है देवदास, और सीधी बात है पारो का रोल है, यानी कि वो रोल निभाती है सुचिता सेन, जो छोटे से जब स्कूल में पढ़ने जाते तब से ही पारो कहीं ना कहीं प्यार करती थी देवदास से। और इस फिल्म में चंद्रमुखी का रोल प्ले किया है वैजयंती माला ने, जो एक कोटिशियन है, यानी कि तवायफ है। अब यहां पर बिमल रॉय की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या डायरेक्शन किया है, बहुत बढ़िया डायरेक्शन। अब यहाँ पर फिल्म स्टार्ट होती है किस तरह से, गांव की एक दिखाया जाता है, रईस घराने का जमींदार का बेटा रहता है, लेकिन मस्ती खो देता है बचपन से, कौन देवदास, मस्ती खो देता है, फिर बहुत मस्ती करता है, ये करता है, वो करता है, उसे कलकत्ते भेज दिया जाता है, फिर कई बार आता है, फिर कई बार जाता है, तो बड़ा हो जाता है तब तक। उसके बाद सुचिता सेन भी बड़ी हो जाती है, और जो बड़े होने का जो शॉर्ट फिल्माया गया है कमाल का है। पानी भरने जाती है गगरी लेके, मटका लेके, सुचिता सेन छोटी सी बच्ची, जिसे बाद में सुचिता सेन तुरंत दूसरे शॉट में दिखाया गया, वो गगरी लेके जाती है, पानी भरती है, जिसे पानी भरते भरते पानी का फ्लो का सीन दिखाया जाता है, और पानी बहता रहता है, वहां पर एक कमल का फूल है, वो खिला नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे वो कमल का फूल खिल जाता है, फिर कैमरा वापस पैन होके आता है, और तब तक सुचिता सेन वहां पर नजर आती है, ना कि वो बच्ची। यानी कहने का मतलब है वक्त बीतता गया और है ना, अब वो बड़ी हो गई है, ये फूल खिलने का, ये मतलब कितना बढ़िया एक कंजंक्शन यूज किया जाता है, कितना मतलब समझाने का तरीका देखिए कितना बढ़िया है। और पारो एक अलग जात की रहती है, वो एक अलग जात का, ये पता जात पात वाला सीन रहता ही है, तो जरूर एक रिश्ते की तरह जाता है उनके पास, पता चलता है उनके घर पे, जमींदार के घर पे, कि भाई ये है ना कि शादी मतलब करने को, जिस तरह से रही पारो की फैमिली वाले शायद जाते हैं किसी तरह से, लेकिन कुछ बात बनती नहीं। फिर खुद देवदास कहता है उसके घर पे कि वो पारो से शादी करना चाहता है, उसके घर वाले पूरे खिलाफ हो जाते हैं, जब उसके घर वाले कुछ सुनते उनते नहीं है, तो वो चला जाता है कलकत्ता गुस्सा उत्साह के वापस से। ठीक है,
तो वहां पर वो थोड़ी बुरी लत में भी पड़ जाता है, और जहां पे बुरी लत पड़ने के बाद वो बोलता है कि मुझे भी, वो उसका एक दोस्त रहता है जो सीधी सी बात मोतीलाल जो बोलता सीनियर एक्टर जिसने कहा, वो हमेशा देखते हैं कि मोतीलाल कहीं जाता रहता है, कहीं कहां जाता है, बहुत इंजॉय करता है लाइफ, दादू पीता है, बोलते मुझे भी ऐसी जगह ले लो जहां मेरे दुख दूर हो सके, तो बोले चलो मैं लेके चलता हूँ। तो जाता है तो वहीं पे वैजयंती माला कोटिशियन के तौर पे यानी कि तवाइफ के तौर पे रहती हैं, और उन्हें भी एक नजर में प्यार हो जाता है देवदास से। तो देवदास जो प्यार करता है पारो से, पारो की शादी किसी और बुढ़े से हो जाती है, और जिसके खुद के बड़े बड़े बेटे हो जाते हैं उसकी उम्र के रहते, सोचो। और यहाँ पर चंद्रमुखी सिर्फ यही चाहती है कि देवदास कभी ना कभी मुझसे प्यार करे, क्योंकि देवदास नफरत करता है तवायफ से, मतलब इस तरह की, मतलब सब उसको लगता है सब फेक है, सब फालतू चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चा प्यार करने लगती है देवदास से, और देवदास पागल देता है इसके लिए, और दारू पीता है क्योंकि कोई चीजें मानता नहीं उसकी, तो खुद ही टूटता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि शायद पागल की शादी हो गई है, तब कितना खुद के अंदर वो एक है ना कैसे संभाले खुद को, क्योंकि उससे शादी करनी होती पारों से। तो यही पूरी कहानी है, बहुत बढ़िया फिल्म है, और मतलब एक नंबर फिल्म है। इसकी रिव्यू वैसे उस तरह से मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ कि एक कमाल की फिल्म है, आप देखिएगा। मुझे लगा दिलीप साहब सर का बर्थडे है, दिलीप कुमार जी का, तो मैं बोला यार आज फिल्म क्यों ना देखी जाए, इसलिए मैंने आज ये फिल्म देखी, और बहुत अच्छी फिल्म है, आप सभी भी जब वक्त मिले देखिएगा। मतलब माशाल्लाह दिलीप कुमार जी को कहा जाता है, दिलीप कुमार सर को, कि एक्टिंग में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, तो इस फिल्म को देखकर वापस से वो आपको कंफर्म हो जाएगा, जिसे जो शायद जानते नहीं होंगे, और एक्टिंग का जिसे ABCD ना आता हो वो जरूर देखे इन्हें, कमाल के एक्टर है, क्या मतलब संजीदगी, क्या पीन, क्या दर्द, मतलब देवदास यानी कि दिलीप कुमार इतना दर्द दिया है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाया है, ओ माई गॉड। सुचिता सेन भी उतनी ही अच्छी, वैजयंती माला भी उतनी अच्छी, कमाल की फिल्म है, बहुत मजा आया। विमल रॉय का बहुत सारा जो चीजें यूज किया है वो बहुत ही अच्छा बताया, मतलब एक सीन है जहाँ पे वो बार बार एक तो वैसे कहती है पारो और देवदा वो चंद्रमुखी की, तुम दारू मत पियो, दारू पीने से तुम्हें खतरा होगा, तो ये बोलता है कि मैं कसम तो नहीं खा सकता लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नहीं पीऊं। तो जब लास्ट सीन में एक दिखाया जाता है कि मोतीलाल उसे वापस से मिलता है, यानी कि वो चुन्नी बाबू बोल रहा है पियो यार क्या, तो पीता है ये, और जैसे ही शराब पीता है उसके दूसरे सीन में दिखाते हैं कि कोयला वो ट्रेन के इंजन में डाला जाता है, मतलब कहने की मतलब है, समझ जाता है, उस कंजक्शन यूज किया गया, और जैसे ही पीने के बाद वापस वो गिर जाता है ट्रेन के कंपार्टमेंट में, और उसके बाद में जो उसका ग्लास रहता है वो ऐसे घुलता फिलता रहता है, यानी कि जिंदगी की मोड़ पे खड़ा है, मतलब जिंदगी और जीने और मरने की मोड़ पे अभी खड़ा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे कंट्रास्ट से बहुत अच्छी अच्छे शॉट्स दिखा के यूज की गई है जो बहुत अच्छी लगी है मुझे, और कुल मिला के एक बेहतर फिल्म थी। और जाते जाते यही कहूंगा, दिलीप कुमार सर आप इसी तरह से खुश रहिए, आबाद रहिए, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से जीते रहिए। हम बहुत दुआएं करते हैं आप सभी आपके लिए, और अल्लाह सभी आपको सेहतमंद रखे, और बहुत आई थिंक अच्छा लगा फिल्म देखकर, और खुशी है, और इतने बड़े इतने है ना शख्स का, इतने आला शख्स के बारे में अगर मैं खबर ना बताऊं, अगर बॉलीवुड का चैनल का खोल के बैठा हूं मैं, तो मजा नहीं है फिर, मतलब नहीं है ना। तो इसलिए इंशाल्लाह आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर से अगेन हैप्पी बर्थडे टू दिलीप कुमार साहब।